हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज चाउमीन। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में वाटर रखा है, करीब ये 2 लीटर पानी है। इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। पानी हमारा लगभग बॉईल हो रहा है और नमक के साथ मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़े से स्पैगेटी। आप किसी भी तरीके की चाउमीन इसमें यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल है। मैं अभी इसमें स्पैगेटी डाल रही हूँ। अब हम इसको 80% तक कुक करेंगे। ये देखिए, हमारी जो चाउमीन है करीब 80% पक गई है। हम इसको से देख लेते हैं। ये देखिए 80% ये पक गई है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेनर ले रखा है और अब हम अपनी चाउमीन को इस तरीके से इसमें डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि अब इसकी कुकिंग होनी बंद हो जाए। अगर ये गर्म रहेगा तो ये कुक होता रहेगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और अब पानी के बाद हम इसमें करीब 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इससे क्या होगा, हमारी चाउमीन जो है खिली खिली बनेगी, ये आपस में चिपकेगी नहीं। और इसको मिक्स कर देंगे ऑयल के साथ इस तरीके से। ये देखिए, है ना बिल्कुल एक एक चाउमीन अलग अलग। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका तड़का लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा पत्ता गोभी लिया है। इसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा काट रखा है। ये मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, थोड़ा सा मैंने गार्लिक लिया है, थोड़ा सा जिंजर लिया है, थोड़ी सी ग्रीन चिली, ग्रीन अनियन, कैरेट, इसको मैंने इस तरीके से स्टिक्स में काट लिया है, थोड़ा सा ग्रीन कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम। इसमें सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आपको पत्ता गोभी स्किप करना हो या अगर आप कैप्सिकम नहीं खाते हो तो इन दोनों में से आप कोई भी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम तड़का लगाते हैं अपनी चाउमीन में। ये देखिए, मैंने सेम कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच जो ऑयल लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और मैंने अपनी गैस का फ्लेम फुल पे कर रखा है। हमें ये कुकिंग फुल फ्लेम पे ही करनी है और आप इस तरीके से अपनी कढ़ाई में चारों तरफ से ऑयल लगा लीजिए। और अब हम, ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे सबसे पहले लहसुन। अदरक, हरी मिर्च, अब इनको हम करीब 1 से 1.5 सेकेंड तक इस तरीके से सॉटे करेंगे। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ अनियन। इसको भी हम 1 सेकेंड तक अच्छे से मिक्स करेंगे। ज्यादा हमें सब्जियों को कुक नहीं करना है, बस इनका हल्का सा कच्चापन जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पे डाल दे रही हूँ पत्ता गोभी। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ कैप्सिकम एंड कैरेट। अब इनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। करीब 1 मिनट तक हम इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे, सब्जियों का कच्चापन चला जाएगा तब तक। देखिए 1 मिनट हो चुका है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी चाउमीन। और इसी के साथ मैं यहाँ पे ऐड करूंगी 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है, 1 चम्मच विनेगर, 1 टेबल स्पून केचप। अब हम सब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब
हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक था और हमने जब चाउमीन बॉईल करी थी उस वक्त भी इसमें नमक था, तो इसमें करीब मैं हाफ टेबल स्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ। अब फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इन सब पे आपकी फ्लेम जो रहेगी वो हाई पे रहेगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी चाउमीन का और कितनी खिली खिली बन रही है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीन अनियन डाल देते हैं और फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारी चाउमीन बनके रेडी है। अब इस स्टेज पे मैं अपनी गैस का फ्लेम बंद कर दे रही हूँ। अब हम इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये देखिए हमारी जो चाउमीन है बनके तैयार है। अब इसके ऊपर से मैं थोड़े से स्प्रिंग अनियन जो है स्प्रिंकल कर देती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।